हेलो दोस्तों, अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है। उस तो पहले थोड़ा मैं दसदा टैलीग्राम ग्रुप पे जरा ज्वाइन कर लियो। लिंक वीडियो दी डिस्क्रिप्शन दे नीचे दिता होया, एक कमेंट करके फीडबैक जरूर दे दिया करो प्लीज़। उस तो बाद हुण आपां टाइम वेस्ट ना करते शुरू करते हैं। जिहड़ा चैप्टर सैकेंड है उहदा लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। हिंदुआं दी समाजिक दशा किहो जी सीगी, टॉपिक अपना हैगा, मैं फिर दस दिंदा तुहानूं। श्री गुरु नानक देव जी तों पहलां दे पंजाब जिहड़ी समाजिक दशा ते राजनीतिक दशा किहो जी है, ये हिंदू मुसलमानां दी पहलां गल्ली, हिंदुआं दी लास्ट टॉपिक है। ते कल आपां लाइव होणा है, ठीक है। ते सारे जने आ जाओ, ते जिन्हां नहीं तां शेयर करते हो, ते टैलीग्राम दे विच असीं टाइम पुछांगे, ते उदों टैलीग्राम ग्रुप दे विच तुसीं वोट कर दिओ वी किन्ने बजे तों किन्ने बजे तक करना है। जिन्हें टैलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लो, अज्ज असीं वोट्स मंगांगे, ठीक है। हुण आपां शुरू करते हैं। गुरु नानक देव जी तो पहला जिहड़े हिंदुआं दी समाजिक दशा बहुत पैड़ी सी, करनी सी, क्योंकि मुसलमानां दा जिहड़ा पंजाब दे विच राज हुंदा सीगा, उन्हां नूं दास जिमी समझा जांदा सी, उन्हां नूं जजिया ते धार्मिक जे तीर्थ यात्रा ते जाणा ते कर देणे पैंदे सी। हिंदुआं ते बहुत सख्ती तों बचण लई हिंदू जिहड़े इस्लाम धर्म ज्वाइन कर लैंदे सीगे, ठीक है। हिंदू फकीर अध्यात्मक सिक्ख्या दा प्रचार भी नहीं कर सकते सी, जे उह प्रचार करदे सी जां तां उन्हां नूं मार दित्ता जांदा सीगा ते जां गुलाम बना लैंदे सी जां जेल विच अंदर बंद कर दिंदे सी सिट्टे वजों। उस समय हिंदुआं दी समाजिक दशा बहुत पैड़ी सी। हुण फस्ट अपने कोल आंदा कास्ट सिस्टम, जात पात। जिहड़े तां मुसलमान सी उह मेन मेन चार जातां विच वंडे होए सीगे, जिहड़े अपने वी आ उह चार जातां जिहड़ियां समाज, ब्राह्मण, खत्री, वैश्य ते शूद्र, पंज जातां। इन्हां जातां तों बिना होर वी उपजातां पैदा हो चुकियां सी। ब्राह्मण सी जिहड़े उह आपदा फर्ज भुल के लोकां नूं लुट्टी जांदे सीगे जां लोकां नाल बुरा व्यवहार करदे सीगे। कारण इह सी कि उह मुसलमानां दे चापलूस बन चुके सी। कारण सीगा कि उह ब्राह्मण आपदी जात नूं बचाउण वास्ते सब कुछ कर रहे सीगे। ब्राह्मण ने हिंदू लोकां नूं वहिमां भरमां विच बेलोड़े संस्कारां विच फसा लिया सी। धर्म के नाते ब्राह्मण पैसा कमाउण लग गए सी, छूतछात का भी प्रचार करते सी। हिंदुआं दीआं जातां ते उपजातां आपस मेलजोल घट सी, उन्हां दे रस्मां रिवाज वक्खरे सी। वैश अते खत्रियां दी हालत ठीक सी, शूद्रां दी हालत बहुत भैड़ी सी। उन्हां दीआं बस्तियां पिंडां तों बाहर सी, उन्हां लई मंदरां ते तीर्थ दरवाजे बंद सी। किसी शूद्र का किसी ब्राह्मण या उच जाति के नाल लगना भी गुनाह समझा जाता सी। उस काल के हिंदू समाज में शूद्रां की हालत बहुत भैड़ी सी, ठीक है। हुण सैकेंड अपने कोल आ गया भोजन। भोजन के विच तां तुसीं इदां ही आ, जिहड़े मुसलमान सी मांस खांदे सी कच्चा डेली दे भोजन विच, जिहड़े भोजन अपने वाले सीगे सिंपल भोजन सी, दालां, सब्जियां, कणक, चौल, दुध, दही, घिओ प्रचलित सीगा, ठीक है। कई जिहड़े मांस खाना सीगा विरुद्ध समझदे सीगे अपने धर्म दे, पर जिहड़े छोटे लोग सी ओह मांस खांदे, पर उहनां दा रोज़ दे जीवन विच नहीं खा सकदे क्योंकि उहनां दी आर्थिक हालत ठीक नहीं सीगी जां उहनां नूं मिलदा नहीं सीगा, ठीक है। उह लोग शराब, अफीम, भंग भी वरतों करदे सीगे। हुण थर्ड अपने कोल आ गया पहरावा। हिंदुआं दा पहरावा उही पर जिहड़ा मुसलमानां तों लो सी। कारण तुहानूं मैं दस्सदा पहलां ही, जे नहीं पता फिर भी वीडियो देख लिओ। हिंदुआं दा पहरावा मुसलमानां नालों वधिया नहीं सी। उह धोती अते कुर्ता पहनदे सी, सिर उत्ते पगड़ी, ठीक है। पिंड जां गरीब लोग लंगोटी बन के गुजारा कर लेंदे सी। उच्च घराने दे लोग रेशमी रंगदार कपड़े पहनते सी, ज़्यादातर लोग खादी के कपड़े पहनते सी। हिंदू स्त्रियां आम तौर पर सलवार, कमीज, दुपट्टा आदि का प्रयोग करदियां सी, ओह साड़ी भी पहनदियां सन। पेंडू स्त्रियां केवल एक लंगड़ की धोती ही पहनदियां सन। आम लोग नंगे पैर भी ही रेंदे सन। ब्राह्मण मत्थे उत्ते जाति चिन्ह तिलक लाउंदे सी, जिवें देखा होगा आपां फिल्मां च वी जां हुण वी आपां देखदे हां। उह सुनहरे बार्डर वाली धोती पहनते सी, हुण भी आपां देखदे हां वाइट ते सुनहरे बार्डर हुंदे साउथ वाले पासे जां किते वी कह लो। साधू अते योगी अपने हेठ विछाउण लई हिरन की खल रखते सन। वह लंगोट पहन के रखते सन, वह सिर मुना के कन्ना विच मुंदरा पहन के घूमते फिरते सन। उन्हां दे हाथ विच एक कंसा हुंदा सी। फोर्थ पॉइंट अपने को लगा मन परचावा। एक तां जिहड़े अपने हिंदू लोग सीगे उन्हां दा मन परचावे दा कारण ना करन दा कारण इह सी, उन्हां कोल ना था आर्थिक हालत ठीक सी उन्हां दी, ना ही उन्हां नूं ज़्यादा समां मिलदा सी। वह हमेशा ही कामकार च रुझे रहिंदे सी। कारण इह सी उन्हां नीवें होण करके कुछ ना कुछ जिहड़े माड़े चंगे कम्मां विच लाए रहिंदे सीगे। ते बस उन्हां दा दो ही तरहां दे मान लो हैगे सीगे, जुआ खेडदे सीगे, मौसमी त्यौहार ते जा के मन परचावा करदे सीगे। वहिम अते अज्ञानता, उस काल के हिंदुओं च वहम अज्ञानता सब तो ज़्यादा भरी हुई सी, झूठे रीति रिवाजों में फसे हुए सीगे, ठीक है। लोग जादू टूने पर विश्वास करते सी। इसत्रियों दशा ये तो दसने की लड़ ही नहीं, मैं कल भी थोड़ा कहा सीगा गुना पहले समाज में जोड़ा इसत्रियों दशा बहुत तरसयोग सी। लड़की जन्म तो चंगा नहीं समझा जाता है, कई लोग जमदे ही बच्चे मार देंगे सी। सती प्रथा भी सी अपने, ठीक है। उम्र छोटी उम्र में विआह किया जाता सी, एक पति एक तो वध पत्नियां होंदिया सन। उस वेले सती वर्गी भैड़ी प्रथा होंगी सी, पति के चिता उत्ते पत्नी नूं जिउंदे सड़ना पैंदा सी। इस्त्री लई योग थां सोहरा घर ही समझा जांदा सी, चार दीवारां दे अंदर रहना ही इस्त्री लई उचित समझा जांदा सी। उस नूं बाहर
ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਰਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਨਾ ਮਾਤਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ 9 ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ 7 ਕਿ 8 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ MCQ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ MCQ ਕੱਲ੍ਹ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਲਾਈਵ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਟਾਈਮਿੰਗ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਵੋਟਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ SSC ਦੀ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ MCQ 'ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।